राजनगरी आगरा के एकमातपुर विधानसभा टेढ़ी बगिया जगजीवन नगर क्षेत्र से भाजपा पार्टी का एक तरफा वोट पड़ने को लेकर बसपा पार्टी के लोगों ने एक रैली निकाली और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बसपा पार्टी के लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग के लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कराई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम मशीन को हटाकर दोबारा से बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग कराई जाए। सिद्धांत सिंह नाम है मेरा। रैली निकाली जा रही है जिस प्रकार से इस चुनाव आयोग के द्वारा ये घोटाला पाया गया है कि मुस्लिम समाज की बस्तियां हैं वहां एक भी कमल का वोट नहीं है और निरंतर रूप से कमल का वोट निकल रहा है, चाहे वो वोट हाथी पर डाला हो चाहे साइकिल पर डाला हो। तो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी, इस प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी पाई गई है, ये हमारा दलित बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ कमल का वोट निकल रहा है जो निराधार है। ईवीएम में सरासर गड़बड़ी है, इसको जनता जानती है, जनता जाग चुकी है। इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं चलेगी। ये एतमादपुर विधानसभा, इसके अलावा यूपी के तमाम नतीजे इस चीज की गवाही देते हैं कि ईवीएम में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला पाया गया है। बीजेपी सरकार ने ईवीएम का बहुत बड़ा घोटाला किया है जिसके माध्यम से उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। ईमानदारी से बीजेपी कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं पा सकती है। समस्या ये है, नाम क्या आपका? मेरा नाम सतीश है जी। सतीश जी, किस तरीके की समस्या है आपकी? समस्या ये है कि 1200 वोट है मेरे हनुमान नगर में गुप्ता के, सही बात है, एक भी वोट पड़ा नहीं है और वोट डाला हाथी में और वोट फूल में गया है और सारे दलित लोग हैं, सारे हमारे साथ ही हैं और अभी भी साथ हैं। विधानसभा का मामला है ये एतमादपुर विधानसभा का मामला है और कोई भी वोट पड़ा नहीं है, सब फूल में गया है, हाथी में वोट डाला है हम लोगों ने सभी ने, ये समस्या है। क्या मानते हैं ईवीएम मशीन? ईवीएम मशीन में पूरी टोटली गड़बड़ी दिखाई दी हमें। तीन बार ग्रीन क्लीन बूथ की तीन बार मशीन बंद करी है उन लोगों ने। मशीन में गड़बड़ी हुई है। गुप्ता समाज के एक भी वोट बसपा में नहीं पड़ा। नहीं, बसपा में नहीं पड़ा है, वो सब बाँव गए। बीजेपी में हाथी पर दो वोट डाले। आपका कह रहा है कि एक तरफा वोट डाला है हमने, जो हाथी पे वोट डाला हमारा हाथी है, ठीक है, और सब फूल में गया है वोट हमारा। वोट गया क्यों गया? ईवीएम मशीन कहाँ हमारा? जिम्मेदार कौन मानते हैं आप? वो चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करवाई है, चुनाव आयोग ने सब कुछ किया है। पैसा खाते क्या जेल में? मेरा नाम नवनीत है। किस तरीके मुझे चुनाव आयोग से प्रॉब्लम है, परेशानी है, क्योंकि उसके ही द्वारा ये सब हुआ है जो भी है, क्योंकि ईवीएम की प्रॉब्लम की वजह से ही ये सारा वोट कमल पे गया है, उस पर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दलित वोट है और मुस्लिम वोट है जो कि सारा समर्थन बीएसपी को था, हमारे धर्मपाल जी को था, लेकिन वो नहीं जीते, इसका कारण ईवीएम की प्रॉब्लम से जो भी है। इसीलिए तो ये जो है चुनाव आयोग को अगली बार या जो भी है अभी फिर से चुनाव कराना चाहिए, वो भी बैलेट पेपर द्वारा, ना कि ईवीएम द्वारा। उसमें आपका कहना ये कि ईवीएम मशीन ना डाला जाए और ये चुनाव जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेरा नाम अश्विनी सिंह है। मैंने अपने मोमडन भाइयों के और अपने दलित और मेरे यार दोस्त हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं सबके इस बार मतलब भी बसपा पे गया है, लेकिन पता नहीं पड़ रहा है, वो लोग खुद सोच में पड़ गए हैं कि हमारे वोट गए तो गए कहाँ। आपने किसको डलवाया था? हमने बीएसपी को डलवाया वोट, हमने हाथी को वोट डलवाया हमने, और जबकि सबका मानना है, जितने भी जनता है सबका मानना है कि इस बार वोट घफला हुआ है और बीजेपी पे गया सारा वोट। ईवीएम की गड़बड़ी के कारण सारा वोट कमल पे गया है। हाँ भैया, आप लोग क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें चुनाव आयोग से फिर से चुनाव कराना चाहिए, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से यूज कराना चाहिए, बैलेट पेपर का पहले।